नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मूंगफली की चटनी बनाने की बहुत ही आसान विधि बताऊंगी। चलिए देखते हैं मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक छोटी कटोरी मूंगफली चाहिए, जिसे मैं कढ़ाई में रोस्ट करूंगी। ये देखिए, मैं कढ़ाई में रोस्ट कर रही हूँ। इसमें तेल घी कुछ भी नहीं डालना है। इसको रोस्ट करने के बाद हल्का लाल हो जाए तो मैं इसे पीसने के लिए मिक्सी के जार में डाल दूँगी। पूरी जितनी भी मैंने एक कटोरी छोटी कटोरी मूँगफली रोस्ट की थी, उसको इसमें डाल दूँगी। और जब पूरी मूँगफली डल जाएगी तो मैं इसमें करीब एक मुट्ठी करी पत्ता डालूंगी। ग्रीन वाला करी पत्ता मेरे पास है, इसलिए मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास सूखा करी पत्ता है तो वो डाल दीजिएगा। अब लगभग एक बड़ा चम्मच गरी का बुरादा डालूंगी और स्वादानुसार नमक डालूंगी। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। एक हरी मिर्च डालूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा हरी मिर्च नहीं खाई जाती। आप अपने इच्छानुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के मैं इसे मिक्सी में चला लूँगी। अब मैं इसी में चलाने जा रही हूँ, बहुत ही जल्दी पिस जाता है। अब मैं इसे किसी बर्तन में खाली कर लूँगी। ये देखिए, मैं इसमें दही नहीं डालती। दही की जगह पे मैं क्या डालती हूँ मैं अभी आगे बताऊँगी, क्योंकि दही डालने से चटनी बहुत जल्दी ख़राब होने लगती है। कभी कभी दही खट्टी नहीं रहती तो भी चटनी अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसमें इमली का पल्प का रस निकाल के 4 बड़े चम्मच डालूँगी। मेरा खट्टा बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैं वही डालूँगी। आप लोग को अगर खट्टा कम पसंद हो तो कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए, एक थिक बैटर तैयार हो गया। अभी मैंने सांभर बनाया था, वही उस पर गिर चुका है गैस पे। अब मैंने तेल गरम कर लिया है और उसमें पहले जब तेल में धुआं निकलने लगेगा तो राई डाल दूँगी, लगभग आधी चम्मच राई। राई में मैंने चुटकी भर हींग भी मिला दी थी। अब इसमें थोड़े से करी पत्ता और एक लाल मिर्च के 2 टुकड़े करके मैंने डाल दिए। सूखी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। अब मैं राई के चटकने का इंतजार कर रही हूँ कि राई चटकने लगे तो मैं इसको अपने जो है मूंगफली की जो चटनी बनाई उसमें डाल दूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करते करते मेरा राई और करी पत्ता का तड़का तैयार हो गया, जिसे मैंने मूंगफली की चटनी में डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, एकदम थिक थिक मूंगफली की चटनी तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने इडली बना रखी है, इसलिए मैं सर्विंग ट्रे में इसकी तैयारी कर रही हूँ। मैं ये पहले इडली रखूँगी, फिर उसके बाद मैं चटनी रखूँगी। आप भी इसे बनाकर खाइए और खिलाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। क्योंकि इमली का जो टेंगी टेंगी स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो मैं जा रही हूँ इडली के साथ मूंगफली की चटनी टेस्ट करने। आप भी बनाकर खाइए और बताइए कि आपको कैसा लगता है। इसी के साथ धन्यवाद और नमस्कार।